भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम पंचायत कंड्रोला पालसी के कंड्रोला शिव मंदिर में विशाल कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में जिला परिषद वार्ड सपड़ो के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नदौन के विधायक विजय अग्निहोत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की फोटो के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की। बैठक में नदौन के प्रभारी अजय शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक विजय अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं को उसका सम्मान देना भाजपा की पहचान है। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सामान्य जन का भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है और आज केंद्र सरकार की पहचान क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद नहीं बल्कि जन कल्याणकारी कार्यक्रम और अंत्योदय की सोच तक प्रगतिशील योजनाओं के साथ हो रही है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर पूरे देश में भाजपा की लोकप्रियता बढ़ी है। वहीं प्रदेश सरकार पर वार करते हुए नदौन के विधायक विजय अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार जनता के हितों पर खरा नहीं उतर पाई है और हर तरफ प्रदेश में माफिया का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि नदौन में तो राजनीतिक भेदभाव के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और हर विकास कार्य में कांग्रेस के मुखिया सत्ता का दुरुपयोग कर अड़ंगा डाल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार झूठी घोषणाएं करके जनता को गुमराह करती है और जनता इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने का मन बना चुकी है। और नहीं बताएंगे तो कोर्ट में बताना पड़ेगा। और मैं आपके साथ एक वायदा करता हूं कि जब तक मैं आपका विधायक हूं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैं कभी, मेरे को पैसे की कोई लालच नहीं है ना कोई भूख। और मैं आज भी, मेरी सैलरी कोई बचती नहीं है। जो जाता कोई बीमार होगा, किसी की लड़की की शादी होगी, किसी की और कोई सहायता होगी, मैं अपनी जेब से भी करता हूँ। हाँ, एक बात जरूर है कि मैं और लोगों की तरह फोटो खिंचवा कर नहीं करता हूँ। मैं जलील नहीं करता हूँ किसी को, जी आपकी मैंने हेल्प की है। और ऐसा भी नहीं कहने का मौका देता हूँ कि कल को ससुराल वाले बोले बैठ जा तू ज्यादा बोल रही है, तेरे को पता तेरी शादी कैसे हुई है। ये कहने का मौका भी नहीं देना मैं चाहता हूँ। इस करके आप लोग जब तक साथ देंगे, आपका भरपूर जनता के लिए काम करता हूँ और आपने मेरे को इतने ऊपर पहुंचा दिया, इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति को जिसके घर से कभी कोई वार्ड पंच नहीं बना था, उसको आपने एमएलए बना दिया, इसके बड़ा आपका मेरे ऊपर ऋण है। इस ऋण को अगर मैं चुका पाऊंगा तो आपका बहुत बड़ा काम होगा। मैं केवल और केवल जनता की सेवा के लिए, आपकी सेवा के लिए रात दिन आपके बीच में हूँ। आप जब जब मुझे मौका देंगे, जब जब आप मुझे बुलाएंगे, जब जब आप मेरे करने का काम बताएंगे, विजय अग्निहोत्री हमेशा आप लोगों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम आप लोगों के साथ है। रात दिन हम इकट्ठे होकर काम करेंगे और यहाँ आने वाली जो भी समस्या आप लोगों की होगी उन सारी समस्याओं का हल भी हम करेंगे। गौरतलब है कि समारोह के दौरान 50 महिला मंडलों को 10,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा जिन महिला मंडलों के पास भवन नहीं है उन्हें भवन निर्माण के लिए जल्द राशि उपलब्ध करवाने की बात भी कही गई है।